Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 10th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is acid, bases and salts. Students, today our topic is pH scale and their uses. We can derivate it. इस लेक्चर के अंदर हम इसकी बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा लेक्चर था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और उसके यूजेस, और इसी तरीके से एसिड और उसके यूजेस की हमने बात की थी. आज हम पीएच स्केल और उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो हमारे पास सबसे पहले हम पीएच स्केल की बात करेंगे. व्हाट इज़ पीएच स्केल स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन, बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की होती है, जिसको हम कहते हैं कि एच पॉजिटिव आयन हमारे पास इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर पीएच स्केल. दैट इज़ द डेफिनेशन. मीन्स जो हमारे पास एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है प्योर वाटर के अंदर, उस चीज़ को हम बेसिस कह रहे हैं कि हमारे पास वो पीएच स्केल पर जो है हमारे पास उसकी एक जो है हम कह सकते हैं कि उसकी हमारे पास एक बेसिक चीज़ है. स्टूडेंट्स, ये बात माइंड में रखें. इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर द पीएच स्केल. अगर हम पीएच स्केल की स्टूडेंट्स रेंज देखें तो रेंज हमारे पास 0 to 14 होती है. यू नो अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ आयनाइजेशन हमारे पास क्या होती है. सबसे पहले हम वाटर को डिस्कस करेंगे. वाटर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट मींस कि हमारे पास, इट मींस इसके अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास होती है. इट मींस इसकी आयनाइजेशन, इसकी डिकम्पोजिशन, इसको ब्रेक डाउन करेंगे. तो क्यों हमारे पास वीक है? क्योंकि ये हमारे पास स्लाइटली आयनाइज हो जाता है स्टूडेंट्स. आयंस के अंदर, आयंस क्या होते हैं हमारे पास? एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव. इसी प्रोसेस को हम जो है सेल्फ आयनाइजेशन का नाम भी देते हैं, और स्टूडेंट इसी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स ऑटो आयनाइजेशन. ये बात माइंड में रखेंगे आप लोग कि ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन क्या होती है. वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ आयनाइज वेरी स्लाइटली इन टू आयंस, और इसी प्रोसेस को हम ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं या सेल्फ भी कहते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स माइंड में रखें इस बात को. एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या होगा? हम कहते हैं अ सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ pH 7, या उसकी जो pOH हमारे पास है वो भी 7 हो. अगर हम दोनों को हम कंसीडर करें न्यूट्रल के तौर पर, और एक सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, तो उस सोल्यूशन की जो pH हमारे पास है अगर लेस देन 7 होगी तो वो हमारे पास एसिडिक होगा. अगर उसी सोल्यूशन की pH हमारे पास जो है स्टूडेंट्स मोर देन 7 होगी तो हमारे पास क्या होगा? बेसिक होगा. तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए. हम यहाँ एक टेबल के ज़रिए इसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं. हम यहाँ ड्रा करते हैं एक टेबल इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स. इसी के अंदर जो है हम लोग जो है इसकी ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यू कैसे हो सकती है और किसी के अकॉर्डिंग हमारे पास हो सकती है. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो है हमारे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास पीएच है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? पीओएच. वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे अभी स्टूडेंट्स. जो पीएच हमारे पास है उसकी रेंज हमारे पास 0 से कहाँ तक हमारे पास है स्टूडेंट्स? 14 तक. कहाँ तक हमारे पास है? 14, माइंड में रखेंगे. जबकि जो पी ओ एच हमारे पास है उसकी रेंज हमारे पास वो कहाँ? 14 से हमारे पास हम कहते हैं वो कहाँ तक है? 0 तक. तो ये बात माइंड में रखें कि हम इसको कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं. अब इनके दरमियान एक न्यूट्रल पॉइंट आता है, वो पॉइंट हमारे पास होता है 7, यहाँ भी 7, और इस 7 पर हमारे पास दोनों जो सोल्यूशन होते हैं पी एच और पी ओ एच हमारे पास, वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं स्टूडेंट्स. ये बात माइंड में रखेंगे. अगर हमारे पास 7 से लेस होंगे तो वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा. अगर हमारे पास 7 से ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा. तो हम इस टेबल के जरिए से इसको जो है ना डिस्कस भी कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट आपको गिवन है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, एंड देन एसिडिक सॉल्यूशन हैव पीएच लेस देन 7. अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन की तो उसकी पीएच हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? ग्रेटर देन 7. पीएच और पीएच वैल्यूज़ की जो हमारे पास रेंज है हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे पास 0 से कहाँ तक है स्टूडेंट्स? 14 तक है. ये हमारे पास इजी वे, इसको हम इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इजी हमारे पास टॉपिक है, आप लोगों ने इसको पिकअप करना होगा स्टूडेंट्स. हम एग्जांपल की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास हम वाटर की बात करेंगे. वाटर को हमने कहा कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वो क्यों है? क्योंकि वो जल्दी आयनाइज हो जाता है हमारे पास जो है स्लाइटली. इट मीन्स जो है वो हमारे पास हल्का
हल्क जो आयनाइजेशन देता है, इट मींस पुअर आयनाइजेशन हमारे पास दे देता है, इसको हम जो है ना डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स वाटर को हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं H2O, हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास होगा। तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ आयनाइज हो जाता है और वो आयन्स दे देता है हमारे पास, कौन कौन से, हाइड्रोजन आयन स्टूडेंट्स, साथ में क्या आएगा हमारे पास OH आयन, इट मींस हाइड्रोक्साइड आयन्स, क्लियर करें इस बात को। तो ये वाटर की आयनाइजेशन का हमारे पास स्टेप आ गया है। स्टूडेंट्स अगर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो KC की वैल्यू हम लोग बारहा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर KC फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो ये बात माइंड में, अब इसी के अंदर प्रोडक्ट्स क्या होंगे हमारे पास और रिएक्टेंट्स क्या होंगे उसी में KC को हम मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट KC इज इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट, आपके पास क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एच पॉजिटिव आयंस, इसको इस फॉर्म में मेंशन करें आप लोग, और इनटू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब रिएक्टेंट्स क्या है, पहले हमने प्रोडक्ट्स लिखे, रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स H और साथ में क्या है 2O, और इसको हम इस फॉर्म के अंदर हम मेंशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास KC वैल्यू आ गई है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसको नेक्स्ट डेरिवेट करते हैं, एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा KC में हम लोगों ने इक्वेशन को डिराइव करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, KC और हमारे पास वाटर यहाँ पे पहले डिवाइड हो रहा था, अब क्या हो जाएगा KC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम जो है इसी जो है ना KC H2 की जगह एक न्यू कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको हम यहाँ पर क्या नेम देंगे KW, यानी न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज KW क्या हमारे पास स्टूडेंट्स आयनिक प्रोडक्ट एंड हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ वाटर। कहाँ यूज़ होता है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर एंड वाटर। और इसी तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करते हैं कि हमारे पास इसकी जो है ना एग्जांपल कैसे हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास आएगा सिंपल KW, इसी की जगह हमने रिप्लेस किया, इज इक्वल टू हमारे पास वही इक्वेशन लिखे हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एच पॉजिटिव और इनटू हमारे पास क्या जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। तो इक्वेशन हमारे पास आ गए इस तरीके से। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन सकती है, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है, जो अभी हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखा कि इसके हमारे पास वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास होगी 1 पॉइंट, स्टूडेंट्स क्या होगी 1 पॉइंट हमारे पास 0.0 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10^10 हमारे पास कितना है -14। और स्टूडेंट हमारे पास ये कितने टेम्परेचर पर है, एट हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये रिएक्शंस किया, हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट जो कांस्टेंट ऑफ वाटर हमारे पास था वो, यानी उसने ये वैल्यू हमें यहाँ पर दी और कितने टेम्परेचर पर दी 25 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे। इसी को हम नेक्स्ट भी इवेल्यूएट करते हैं, हम जो है क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव जो हमारे पास है इसको इक्वल करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के, या फिर हम इसी जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव है इसका हम स्केयर लेकर उसको इक्वल कर देंगे किस वैल्यू की, इसी वैल्यू की। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स हम इसको इसको हल करते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या होगा, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड वन स्टूडेंट्स एच पॉजिटिव आयन एंड वन स्टूडेंट्स ओ एच नेगेटिव आयन, इट मीन्स दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज हाइड्रोजन आयन्स। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा आप लोगों को कि हमारे पास कैसे इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, हम लोगों ने हमारे पास पॉसिबिलिटी हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स को इक्वल कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसके, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के। और या एक और स्टेप हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास है स्टूडेंट्स इसका हम स्केयर ले लेंगे और स्केयर के लिहाज से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसके स्टूडेंट्स 1.0 हमारे पास इंटू मल्टीप्लाई बाय 10^10 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -14। और कितना टेम्परेचर पर हमारे पास स्टूडेंट्स यह है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग जो है इसी इक्वेशन को लेंगे H पॉजिटिव हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्केयर
इज इक्वल टू टेक्स केयर ऑन बोथ, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितना हमारे पास है माइनस 14। और हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे जो है हमारे पास इसका जजर आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ले लेंगे हम लोग इस चीज़ को जो है। और नेक्स्ट हम लोग जो है इसको यहाँ पर भी हम लोग स्केयर ले लेंगे, दोनों साइडों पे हमारे पास स्केयर आ जाएगा, ये अंडर रूट हमारे पास स्केयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, और हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट ये कैंसिल अंडर रूट स्केयर, 1 पॉइंट हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा माइनस 7 माइनस 7। और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप लोगों ने इसको इस लिहाज से इस तरीके से इवेल्यूएट करना होगा कि आप लोगों को स्टूडेंट्स ये इसका आइडिया क्लियर हो सके। एज इट डिफ़िकल्ट टू डील विथ स्मॉल फिगर हैविंग नेगेटिव कंपोनेंट्स सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट देम फिगर्स इंटू अ पॉजिटिव फिगर यूजिंग न्यूमेरिकल सिस्टम। इस चीज़ को इवेल्यूएट करने के लिए हमें जो है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड को जो है अडॉप्ट करना होता है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम पी एच की बात करेंगे। पी एच क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन्स। इट मीन्स हमारे पास एच पॉजिटिव आइन्स हमारे पास, उसको एच पॉजिटिव आइन को हम कहेंगे कि हमारे पास पी एच है। क्या हमारे पास है मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे हम इस चीज़ को, हमारे पास क्या चीज़ होगा स्टूडेंट्स पी एच का फार्मूला हम कैसे यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे। हम पी एच हमें पता है कि पी एच हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पी एच हमारे पास इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम एल ओ जी लॉग, और हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ, इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन्स दैट इज़ मैथमेटिकली टर्म्स ऑफ पी एच। इसी तरीके से हम पी ओ एच की बात करते हैं तो पी ओ एच हमारे पास क्या होता है, सेम नेगेटिव लॉगरिथम है और मोलर कंसंट्रेशन भी है, लेकिन वहाँ हाइड्रोजन आइन्स है, यहाँ क्या लेंगे हम हाइड्रोक्साइड आइन्स। फार्मूला क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, ओ एच नेगेटिव दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आइन सोल्यूशन, इसको हम पी ओ एच का नाम देंगे। तो मैथमेटिकली क्या हमारे पास होगा, हमारे पास स्केल कैसे, पी ओ एच इज इक्वल टू हमारे पास माइनस लॉग लॉगरिथम इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन दैट इज़ मैथमेटिकली फार्मूला ऑफ पी ओ एच। तो स्टूडेंट इस बात को माइंड में रखें, वेरी सिंपल, हमारे पास आसान इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं, और ये दोनों जो है हमारे पास डेफिनेशन शॉर्ट के अंदर आती हैं, डिफाइन पी एच एंड पी ओ एच विद इट्स मैथमेटिकल फार्मूला विद इट्स मैथमेटिकल टर्म। तो आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर करनी होगी यहाँ पर, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना होगा स्टूडेंट्स। हमारे पास ये चीज़ नीचे एक्सप्लेन की गई, हमारे पास जो पी है वो कहते हैं बिफोर द सिंबल, मीन्स अगर हम सिंबल से पहले इसको डिस्कस करें तो हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, और सो बिफोर एच इट मीन्स एच पॉजिटिव मीन्स क्या होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच, देयर फोर पी एच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइन्स। तो हम इसको इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिस्कस भी कर सकते हैं, और हम इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इवेल्यूएट भी यहाँ पर कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना जिसको हमने अभी सॉल्व किया हमारे पास कैसे इसको हम एक्सप्लेन मजीद जो है इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो कंसनट्रेशन है डेफिनेशन के बाद अभी हमने इसको मज़ीद भी स्टूडेंट्स प्रूव करना है, हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन इज इक्वल टू जो हमने लास्ट में वैल्यू ली है, वो वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या था हमारे पास माइनस 7, और हमारे पास ये इसको हमने यहाँ पर फॉलो करना होगा, हमने इसको अटेम्प्ट करना होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको फाइंड आउट भी करना है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, तो पी एच हमारे पास ये कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आइन हमारे पास है, हमने पी एच फाइंड करनी है। तो पी एच की वैल्यू हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आती है हमारे पास यहाँ पी एच का फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, पी एच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग, और हमारे पास क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन। तो यहाँ हम सिंपल पी एच कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस लॉग, और स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या है 1
वन पॉइंट हमारे पास ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टेन रेज टू पावर कितना हमारे पास है स्टूडेंट्स, माइनस सेवन, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पीएच आ जाएगी सेवन। सो सिंपल कि हम इसकी पीएच को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने पीएच को फाइंड आउट किया, आपने जो है जाहिर बात है इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इस चीज़ को, यही स्टेप दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर पीएच स्टूडेंट इज़ इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा लॉगरिथम इनटू हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस सेवन, और ये कितना हमारे पास पीएच के हमें कितना आएगी सेवन, वही स्टेप हमारे पास। सिमिलरली अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच हमारे पास क्या होगा, पीओएच के अंदर फार्मूला वही पुट, क्योंकि वैल्यू सेम है हमारे पास दोनों की, इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम और इनटू हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स ओएच नेगेटिव आयन, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसी हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हम जो है ये वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे हम लोग कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वही सेम हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस लॉग, यानी इट मीन्स लॉगरिथम ऑफ वैल्यू क्या हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस सेवन। तो हमारे पास दोनों की जो जो है वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ रही है हमारे पास सेवन, पी एच भी और पी ओ एच भी। सो पी एच वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्राम 0 to 14, वी नो दैट, इस बात का हमें आइडिया है पड़ा कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स इनको जो है सम करना हो, मींस दोनों की पीएच देखनी हो कि हमारे पास कितनी आ सकती है, तो पीएच हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर कि हमारे पास पीएच क्या है, प्लस हमारे पास हम पी ओ एच भी फाइंड आउट कर चुके हैं हमारे पास स्टूडेंट्स कि हमारे पास पी ओ एच यहाँ पे क्या है। दोनों की हम जो है यहाँ पर क्या पुट करेंगे वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू कितनी हमारे पास है सेवन प्लस सेवन, यू नो अबाउट दैट, इज इक्वल टू टोटल हमारे पास कितनी आ गई 14। अब इससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास इसकी रेंज कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स 0 से 14 तक है। सो सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच ऑफ द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, यू नो अबाउट दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास कुछ यूजेज हैं और जो कि हम पी एच को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो पीएच है ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को जो है उसकी नेचर को जो है डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड यूज़ हमारे पास क्या होगा, मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए, कल्चरल एंड हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं पीएच को। माइक्रोबायोलॉजिकल हमारे पास क्या, माइक्रो मीन्स जो छोटे छोटे हमारे पास जो जानदार होते हैं उनको जो है हमारे पास उन, इट मीन्स के उन चीज़ को परखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन मेडिसिंस के अंदर जो हमारे पास मोस्टली हम पीएच यूज़ कर सकते हैं, पीएच स्केल यूज़ करते हैं, तो ये इसका मोस्ट हम इंपॉर्टेंट यूज़ हमारे पास है। थर्ड वन की बात करते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन स्टूडेंट, जो कि नेसेसरी होती हैं किसके अंदर, सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर। तो पहला यूज़ क्या हुआ, डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, सेकेंडली प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन दैट इज़ कल्चरल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, थर्ड हमारे पास क्या होगा ये सोल्यूशन, ये जो पी एच हमारे पास है ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन हमारे पास है उसको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो कि हमारे पास मखसूस बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के अख्ताम पर हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह नेकबान।